हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। वी आर गोइंग टू मेक चिकन चीजी पिज्जा विद सम वेजीज, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रेसिपी में मैंने चिकन को तंदूरी का फ्लेवर दिया हुआ है। बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए पहले चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन मैरिनेट करने के लिए हमें कर्ड लेना होगा, चिली पाउडर, तंदूरी मसाला, आप इसे बाजार से भी आसान से ले सकते हैं या घर पे बना सकते हैं, काली मिरी पाउडर, नमक और चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरिगेनो। मैं इसमें नींबू थोड़ा स्क्वीज करके ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जैसे मिक्स हो जाए, इसमें मैंने चिकन के क्यूब्स काट कर ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दीजिए। अब 20 मिनट हो चुका है, मैंने पैन में तेल ऐड कर लिया है और चिकन मैरिनेटेड ऐड कर लेंगे। शुरू के 1 मिनट इसे लो फ्लेम में मिक्स कर लीजिए, फिर इसे मीडियम हाई फ्लेम में ऐड कर दीजिए। हमें चिकन का पानी आने नहीं देना है, चिकन की ग्रेवी को सुखा देना है। बीच में इसे स्टर करते रहिएगा। देखिए धीरे धीरे पानी सूख रहा है। मिनिमम आपको 10 मिनट कुक करना होगा। इसका रंग भी चेंज होने लगा है। देखिए इसकी ग्रेवी ड्राई हो चुकी है और ये गोल्डन क्रिस्पी लग रही है। अब इसे हमें निकाल लेना है। सेम पैन में मैंने एक पिज्जा बेस ले लिया है, इसमें बटर अप्लाई कर दूंगी और पिज्जा ब्रेड को रख के इसके ऊपर टोमेटो सॉस, मेयोनीज को ऐड करके मिक्स करके अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। ये जैसे स्प्रेड हो जाए तब इसके ऊपर चिकन ऐड करने लग जाएंगे। चिकन ऐड हो चुका है, अब इसमें अनियन ऐड कर लेंगे। आप इसके मनपसंद वेजेस ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें बेल पेपर ऐड करूंगी, मेरे पास ग्रीन बेल पेपर अवेलेबल है तो मैं वही ऐड कर लूंगी। अब चीज ऐड कर लेंगे। इसे हम अब ढक देंगे, ढककर इसे 7 मिनट लो फ्लेम में पकाना है, जिससे इसकी चीज भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और नीचे भी अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसमें कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, अमूल की चीज भी ऐड कर सकते हैं या मोजरेला भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितनी चीजी बनी है, आपको एक क्लोजअप वीडियो दिखा देती हूँ। ये खाने में काफी स्वादिष्ट है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ऐसे मजेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।